Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. शरव अवतार ये उन दिनों की कथा है जब आपके मामा श्री श्री हरि नारायण अपनी एक तुच्छ सी विजय के पश्चात अपना संपूर्ण विवेक ही खो बैठे थे और उन्हें स्वयं के कुछ अधिक ही शक्तिशाली होने का भ्रम भी हो गया था। लंकेश, आप तो महादेव के अवतारों की कथा सुना रहे थे, किंतु आपकी कथा में तो अब मामा जी श्री हरि नारायण अवतार लेने जा रहे हैं। देवताओं ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी कि वो सहायता प्राप्त करने नारायण के पास चले गए थे। यदि वो मेरे आराध्य प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के पास जाते तो नारायण को अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि नारायण के इस अवतार के उपरांत मेरे प्रभु महादेव ने उन्हें रोकने के लिए अवतार लिया था। ऐसा क्या हुआ था लंकेश कि मामा जी श्री हरि नारायण को रोकने के लिए स्वयं प्रभु महादेव को अवतार लेना पड़ा? गौरी पुत्र, नारायण ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के अंत करने की घोषणा की, किंतु हिरण्यकश्यप तो किसी भी उपाय से अपने पुत्र का वध करने के लिए अडिग था। तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, और आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुरों में सर्वोच्च अवश्य है आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि, कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो। प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड़ग में है, खम्भ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है? अवश्य। तो ठीक है, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। दोनों आपकी मृत्यु के लिए हैं। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन है। इस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध से स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक इसके आतंक से मुक्त हुए। स्वामी के प्रभु नरसिंह अवतार की इस भीषण गर्जना से तो वैकुंठ भी कंपित हो उठा। भ्राता श्री हरि नारायण का यह अपार क्रोध कैसे शांत होगा? जिस अनर्थ का मुझे अनुमान था आखिर वही होने जा रहा है। ये मात्र एक गर्जना नहीं थी गौरी पुत्र, अभी तो यह भीषण स्वर तो
आगामी सर्वनाश का संकेत था, क्योंकि हिरण्यकश्यप के वध के उपरांत नारायण के अवतार नरसिंह के क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। ये विजय उनकी बुद्धि पर हावी हो गई थी और वो अपने अनंत क्रोध के प्रदर्शन से उसका आनंद मनाने लगे थे, जिसके कारण सृष्टि पर महासंकट छा गया। ये सभी देवता इस प्रकार स्तब्ध क्यों? स्वामी के साथ ही क्या हो रहा है? वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में क्यों नहीं लौट रहे हैं? मैं इस विचार से व्यथित हो रही कि कहीं भ्राता श्री हरिनारायण की क्रोधाग्नि से समस्त सृष्टि का विनाश ना हो जाए। स्वामी, आप तो अपने ध्यान में भी इतने विचलित प्रतीत हो रहे हैं, अवश्य आपको भी यही चिंता सता रही है। यदि नारायण के नरसिंह अवतार को नहीं रोका गया तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ये समस्त पृथ्वी धधकते लावे से ढक जाएगी। वो जीवन के योग्य कैसे रह सकेगी? वो तो एक अग्नि के गोले के समान सौर्य मंडल में स्थित रहेगी। फिर तो ऐसा होने से किसी न किसी को तो रोकना ही होगा ना स्वामी। किंतु इतनी क्षमता किसमें है जो प्रभु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार को रोक सके? हाँ देवराज, किसमें है इतना सामर्थ्य? मात्र एक प्रभु महादेव। महादेव, 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 महादेव। लंकेश, तो क्या सभी देवता प्रभु महादेव के पास गए? फिर प्रभु महादेव ने क्या किया? आप अपने मामा श्री के नरसिंह अवतार की कथा सुनने के लिए कुछ अत्यंत ही उतावले हो रहे हैं। लंकेश, मैं तो सभी श्रेष्ठ कथाओं का श्रवण करने के लिए और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक और उतावला रहता हूँ। फिर क्या हुआ लंकेश,
सदैव के समान सभी देवता एकत्रित होकर कैलाश पहुंच गए और तभी कैलाश पर भी संकट छाने लगा था। प्रभु शिव शंकर, हे भोलेनाथ, अब तो हम सबको आपका ही आसरा है। हे प्रभु हर, कृपा कीजिए, हर लीजिए सृष्टि पर छाए संकट को। करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हरि, चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। शांत करो प्रभु, हम सब पे उपकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो, इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। Thank you.
मुझे ज्ञात है आप सभी यहाँ क्यों उपस्थित हैं। और मुझे ये भी ज्ञात है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। पिताश्री ने, किंतु क्यों लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप अभी अचंभित हैं, उसी प्रकार तब देवी पार्वती प्रभु के इस निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गई थी। श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार का सामना अब वीरभद्र जी से होगा, इसकी कल्पना से ही वो चिंतित हो उठी थी। स्वामी, स्वामी अब भ्राता श्री हरि नारायण के क्रोध को शांत करने के लिए वीरभद्र को क्यों भेज रहे हैं? अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में तो ये भी असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि देवी, जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही नारायण के इस आवेशित स्वरूप द्वारा उनके क्रोध को वश में करने के लिए मेरे उस उग्र रूप को उनके समक्ष प्रस्तुत होना होगा। नहीं स्वामी, कदाचित इससे स्थिति शांत होने के स्थान पर और भी विकट रूप धारण कर लेगी। आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं देवी, मैं वही कर रहा हूं जो स्वयं नारायण ने मुझे करने के लिए कहा। ये तो उनकी लीला का ही भाग है। ऐसा करने के लिए मामा जी श्री हरि नारायण ने कहा था, ये उनकी लीला है। मैं कुछ समझ नहीं सका लंकेश। पिताश्री मामा जी श्री हरि नारायण की किस लीला का उल्लेख कर रहे थे? कदाचित आपके मामा श्री श्री हरि नारायण को यह ज्ञात था कि अकेले स्वयं पर नियंत्रण पाने में वो असमर्थ होंगे, इसलिए हिरण्यकश्यप का वध करने से पूर्व उन्होंने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से भेंट की। हे जगत पिता, आप सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, रुद्र भी और भोलेनाथ भी, भक्तों के लिए आप दया सागर हैं और दुष्टों के लिए संहारक भी। आपकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजमान है और आपके शीश पर स्वयं चंद्रमा। हे चंद्रमौली, हे देवाधिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं जगत का पालनहार, जगत के कल्याण का अपना दायित्व निभाने हेतु आपसे एक सहायता का निवेदन करने आया हूं। क्योंकि हे महादेव, ब्रह्मदेव के वरदान की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना उस दुष्ट हिरण्यकश्यप के वध हेतु मुझे कुरूर उग्र रूप धारण करना होगा। किंतु मुझे संशय है कि उस उग्र रूप में मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकूंगा, क्योंकि उस समय मेरे शरीर का अर्ध भाग सिंह का होगा, जिस कारण मैं अत्यंत उग्र और आक्रामक हो जाऊंगा। किंतु इस परिस्थिति की यही विडंबना है कि परिणाम कुछ भी हो, किंतु मुझे अपने भक्तों की रक्षा और संसार के कल्याण हेतु ये स्वरूप धारण करना ही होगा। यदि मैं स्वयं पर नियंत्रण खोकर स्वयं को संभालने में असमर्थ हो जाऊं, तो मेरे द्वारा सृष्टि को कोई क्षति पहुंचने के पूर्व कोई भी उपाय कर मुझे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिएगा। फिर भले ही इसके लिए आपको अपने किसी भी स्वरूप में मेरे समक्ष क्यों ना आना पड़े। हे भोलेनाथ, आप साम, दाम, दंड, भेद किसी भी प्रकार मुझे अवश्य रोक लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए श्री हरि नारायण, आपको आपके अवतार में स्वयं शांत होने के लिए कुछ समय अवश्य दूंगा मैं, किंतु यदि फिर भी आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ना कर सके तो समय रहते जो आवश्यक होगा
वो अवश्य करूंगा मैं। तो क्या पिताश्री के समझाने पर माँ की चिंता दूर हुई? हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया और महादेव ने वीरभद्र जी को वहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दिया। किंतु प्रभु नरसिंह तो क्रोध में थे और वीरभद्र जी तो स्वयं पिताश्री के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, तो क्या दोनों के क्रोध का टकराव संकटमय होने वाला था? गौरी पुत्र, प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू ने स्वयं ही कहा था कि लौह ही लौह को काटता है। रचित प्रत्येक लीला के गर्भ में कई लीलाएं होती हैं, किंतु उसका प्रकटीकरण भी ईश्वर समय अनुसार ही करते हैं।